तो दोस्तों आज है 7 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो में अशोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में, जो कि व्हीकल सेक्टर का नंबर 1 कंपनी और भारत में भी नंबर 1 कंपनी बन चुका है, जो कि अशोक लीलैंड लिमिटेड, जो कि व्हीकल सेल करने में काफ़ी आगे निकल चुका है। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले, ताकि डेली बेसिस पर कोई स्टॉक आप मिस ना कर पाए। अशोक लीलैंड लिमिटेड की फंडामेंटल की बात करें, यानी कि अशोक लीलैंड लिमिटेड अभी के समय में 126 रुपीज़ पर यह ट्रेड कर रहा है। और अशोक लीलैंड लिमिटेड की वन डे की बात करें तो वन डे में अशोक लीलैंड लिमिटेड 1% का ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि सॉलिड वोलेटिलिटी में ही गया। वहीं पर अशोक लीलैंड लिमिटेड की 5 डे की बात करें तो 5 डे में अशोक लीलैंड लिमिटेड 7% का ब्रेकआउट दिया, जो कि सॉलिड वोलेटिलिटी में ही देखने को मिला। और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में अशोक लीलैंड लिमिटेड 26% का ब्रेकआउट दिया, ये भी आपको सॉलिड वोलेटिलिटी में ही देखने को मिला और सबसे हाई वोलेटिलिटी में भी अभी के समय में ट्रेड कर रहा है 1 मंथ में। और अशोक लीलैंड लिमिटेड की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में अशोक लीलैंड लिमिटेड 126% का ब्रेकआउट दिया, मैक्सिमम चार्ट में 5477% का ब्रेकआउट दिया अशोक लीलैंड लिमिटेड। यानी कि अशोक लीलैंड लिमिटेड की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग 1 डे या 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर्स या मैक्सिमम की बात करें तो सभी में अशोक लीलैंड लिमिटेड बड़ा से बड़ा ब्रेकआउट दिया। और मैक्सिमम चार्ट में अशोक लीलैंड लिमिटेड, जो कि एक मल्टी बायगर स्टॉक्स की तरह अपने शेयर होल्डर को ब्रेकआउट दिया, यानी कि अशोक लीलैंड लिमिटेड की फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी मजबूत हैं। और अशोक लीलैंड लिमिटेड मार्केट में लिस्टिंग की बात करें 2.26 रुपया पर लिस्टिंग हुआ था 1999 में, और उस समय से अशोक लीलैंड लिमिटेड अपना सपोर्ट लेवल बना के चल रहा था। फर्स्ट टाइम इसका हाई सपोर्ट लेवल की बात करें तो अशोक लीलैंड जो कि 149 रुपीज़ के लेवल के आसपास इसका हाई सपोर्ट लेवल बना था। फिर ये अशोक लीलैंड लिमिटेड नीचे गया 2022 में, जिस समय कोविड के लाकर सभी मार्केट में क्रैश देखने को मिला, ये भी गिरा था। फिर उस समय इसका सपोर्ट मिला अशोक लीलैंड लिमिटेड की, फिर उस समय से पेनी स्टॉक वोलेटिलिटी में ही चल रहा है अशोक लीलैंड लिमिटेड। क्योंकि अशोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें तो फंडामेंटल सही दिख रहा है। और आज के दिनों में अशोक लीलैंड ओपन मार्केट इंडिया की बात करें 124 रुपया पर ओपन हुआ था, हाई की बात करें तो 127 रुपया, यानी कि पर शेयर पर 3 रुपया का प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिनों में। लो की बात करें 124 रुपीज़, मार्केट कैप की बात करें 37 करोड़ है, पीई रेशियो कुछ नहीं, डिविडेंड भी कुछ भी नहीं। वहीं पर अशोक लीलैंड लिमिटेड की बात करेंगे 52 वीक की हाई CDP स्कोर की तो 153 है, और लो CDP की बात करें 93 है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो अशोक लीलैंड लिमिटेड की फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी मजबूत हैं, जो कि अपने शेयर होल्डर को लगातार ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट ही दिए हैं। और अशोक लीलैंड लिमिटेड की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मल्टी बायगर स्टॉक्स की तरह अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिए हैं। और अशोक लीलैंड लिमिटेड में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो कि इस मेजर में अशोक लीलैंड लिमिटेड में गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा होल्ड किया है, ये भी काफ़ी वेटेज है, ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अब जो अशोक लीलैंड लिमिटेड की हम बात करेंगे थोड़ा डीप में कवर करेंगे, यानी कि अशोक लीलैंड लिमिटेड की बात करेंगे कि अंदर के बाद, यानी कि कैपिटल की बात करें, की पॉइंट की, यानी कि शेयर होल्डर के लिए की पॉइंट भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अशोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें तो फर्स्ट नंबर में इसकी मार्केट कैप की बात करें, कंपनी की कैपेसिटी कितना है, 36,988 करोड़ स्पेनी स्टॉक की, यानी कि अशोक लीलैंड लिमिटेड की मार्केट कैपेसिटी है। करेंट प्राइस की बात करें 126 रुपीज़ है, और 52 वीक की हाई की बात करें 154 रुपीज़, और लो की बात करें 93 रुपीज़ है। स्टॉक एंड पी रेशियो की बात करें तो कुछ भी नहीं दिया। वहीं पर इस बुक या बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू 25.4 टाइम्स ये बुक वैल्यू हो चुका है मार्केट में, यानी कि पहले से बुक वैल्यू हो चुका है। डिविडेंड की बात करें 0.48% इसका डिविडेंड भी मिल चुका है, यानी कि अशोक लीलैंड लिमिटेड काफ़ी वेटेज का डिविडेंड भी पहले से मिल चुका है। ROCE की बात करें 5.62% है, ROE की बात करें -2.11% है। और अशोक लीलैंड लिमिटेड की जो फेस वैल्यू जो रखा गया, जो कि 1 रुपीज़ के लेवल के आसपास इसका फेस वैल्यू रखा गया, यानी कि की टर्म्स में भी आपको सही सब देखने को मिला होगा। अब जो अशोक लीलैंड लिमिटेड की बात करेंगे, छोटा छोटा टर्म्स जो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर पर कैसा रिजल्ट देख सकते हैं, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर, यानी कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर पर अच्छा रिजल्ट देता है। स्टॉक ट्रेडिंग 4.98 टाइम्स, जो कि अभी के समय बुक वैल्यू होकर मार्केट में करेंट समय में ट्रेडिंग हो रहा है। अब जो इसके अशोक लीलैंड लिमिटेड की बात करेंगे सबसे नीचे, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितना है, इसमें कितना परसेंट निवेशक होल्ड किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रिजल्ट 2021 की बात करें तो इसमें देख सकते हैं, प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर 51%, जो कि स्पेनिश स्टॉक में प्रमोटर है, 50% निवेशक स्पेनिश स्टॉक में अपना पैसा होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखें। पब्लिक की FWLS की बात करें 50% है, DWLS की बात करें 20% है, और इसमें देख सकते हैं गवर्नमेंट भी 0.08 करोड़ इसमें निवेश किया, यानी कि गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा इस कंपनी में होल्ड किया। पब्लिक की बात करें
12.68% जो कि पब्लिक है। यानी कि अशोक लेलैंड लिमिटेड की बात करें तो सभी टर्म्स में आपको प्लस पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिला, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी है और व्हीकल सेक्टर का नंबर वन अशोक लेलैंड कंपनी बन चुका है। यदि आप अशोक लेलैंड लिमिटेड में मात्र 50 क्वांटिटी भी बाय कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अशोक लेलैंड लिमिटेड में होल्ड करते हैं तो आने वाले दिनों में 100% है आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है।